हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बात करने वाला हूँ बीमैक्स कनेक्टर के बारे में। ये कनेक्टर हमें हेल्प करता है 3ds Max से ब्लेंडर या ब्लेंडर से 3ds Max में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि इसको कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या आपको जो लिंक मिलेगी आप इसको ब्राउज़र में कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको डायरेक्टली ये वेब पेज खुलेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग अलग वर्जन्स हैं, तो आप पर्सनल यूज़ पे जाके इसको परचेज कर लेना है और यहाँ पर ज़ीरो डाल देना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर $0 है, तो आप यहाँ पे ज़ीरो टाइप करके परचेज कर लीजिएगा। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो आपको डाउनलोड पेज आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, या फिर यहाँ से भी रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अभी के लिए मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे होता है। जैसे ही आप मैंने यहाँ पे एंटर किया है, मेरे को यहाँ पे ऑप्शन आएगा व्यू कंटेंट का। मैं व्यू कंटेंट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वापस से तीन ऑप्शंस दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, मतलब 3ds Max के लिए दो वर्जन अवेलेबल हैं और एक वर्जन है ब्लेंडर के लिए अवेलेबल। तो आप 3ds Max का डाउनलोड कर लीजिए। एंड फिर ब्लेंडर के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों फाइल बिना किसी दिक्कत के सेव हो जाएंगी। मैं यहाँ से फाइल्स में जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये रही मेरी दोनों फाइल्स। मैं इनको कॉपी करके अपने डेस्कटॉप में पेस्ट कर लेता हूँ। ये रही वो दोनों फाइल्स। अभी जो 3ds Max की फाइल है और जो ब्लेंडर की फाइल है, उनके साथ क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा 3ds Max खोला हुआ है, मैंने सिर्फ खोला है, कोई भी और विंडो नहीं हमें ओपन करना है। अभी इसको मिनिमाइज करूँगा और ये जो हमारी 3ds Max के लिए जो फाइल है, इसको 3ds Max में ओपन करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग करके मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, ये अपने आप बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। बस आप देख पाएंगे कि एक यहाँ पर ऑप्शन आ गया है ब्लेंडर का, जिसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बीमैक्स कनेक्टर के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ से। अभी बात रही हमारी दूसरी फाइल की, तो मैं ब्लेंडर खोलता हूँ। ब्लेंडर खुल चुका है, तो इसमें वो फाइल्स कैसे हमें इंस्टॉल करना है, तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड से, आप देख सकते हैं ऊपर हमारा टूल बार है, हम जाएंगे इसमें एडिट्स में, प्रेफरेंसेस, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एड ऑन का, तो मैं एड ऑन क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल पे जाता हूँ और वो मैं फाइल डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लूँगा कि कहाँ पर मेरी मैं फाइल डाउनलोड करके रखा था। तो डाउनलोड्स डेस्कटॉप पे है मेरी वो फाइल, आप देख सकते हैं कि ये रही मेरी बीमैक्स ब्लेंडर। मैं यहां से इसको इंस्टॉल एक्शन कर देता हूं, बस ये खत्म हो गया हमारा। अभी आप देख पाएंगे कि यहां पर जब मैं एन प्रेस करता हूं तो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है बीमैक्स का। अभी यहां पे ऑप्शन आ रहे हैं दो, सेंड टू 3ds Max एंड गेट फ्रॉम 3ds Max। तो मैं आपको अभी फॉर एग्जाम्पल 3ds Max से एक कोई भी छोटा मोटा मॉडल ब्लेंडर पे इंपोर्ट करके दिखाता हूं। सपोज मैं यहाँ पे टीपॉट बना रहा हूँ, ओके, ये टीपॉट को सिलेक्ट करता हूँ मैं एंड सेंड टू ब्लेंडर पे क्लिक कर दूँ। देख सकते हैं थोड़ा सा लोड हुआ है यहाँ पर। वापस ब्लेंडर ओपन करता हूँ, अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा गेट फ्रॉम 3ds Max, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मॉडल है वो इम्पोर्ट हो चुका है बिना किसी दिक्कत के, साथ में सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ ये मॉडल इम्पोर्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा मॉडल है, कोई बड़े मॉडल रहा तो क्या, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। नया फाइल लेता हूँ, डोंट सेव, ओके। यहाँ पे मैं कोई बड़ा मॉडल खोलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेरा रीसेंट 3ds Max का एक्सटीरियर सीन ओपन करता हूँ। ये जो पूरा मॉडल है मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ डायरेक्टली टू ब्लेंडर, तो मैं इसको कंट्रोल ऑल करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ सेंड टू ब्लेंडर। अभी कुछ सेकंड्स के लिए लोड होगा, मे बी अ मिनट और सो, क्योंकि ये मॉडल थोड़ा बड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नीचे बार चल रहा था, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो बार आ रहा था, ये लोड हो चुका है। तो अभी मैं ब्लेंडर खोलूँगा और वापस से एन प्रेस करता हूँ, बी मैक्स पर जाता हूँ एंड गेट फ्रॉम 3ds Max पे क्लिक करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि मेरा मॉडल भी इम्पोर्ट हो गया है और वो भी बिना किसी दिक्कत के, ये मॉडल इम्पोर्ट हो चुका है। अभी आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका वन एक क्लिक में, लिटरली एक क्लिक में आपका मॉडल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है फ्रॉम ब्लेंडर टू 3DS। अभी आप इसको रेंडर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ पे टेक्सचर कर सकते हैं, आप जिस भी तरह से इसको यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को।